वेलकम टू द चैनल, आई एम सिमरन सहानी। तो क्लास 10 स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे हमारा हिस्ट्री का चैप्टर द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है वैसे ये हमारा, ठीक है। इसमें ना आपको मतलब फैक्ट्स जानने को मिलेंगे कि भाई दुनिया में ना, वर्ल्ड में किस तरीके से ना, जैसे आजकल हम फेसबुक चलाते हैं, हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, हम व्हाट्सएप चलाते हैं, हम पूरे दुनिया से कनेक्टेड हैं इस समय पे। आप कभी कहीं की न्यूज़ पढ़ रहे हो, कभी कहीं के लोगों को देख रहे हो, उनकी रील्स देख रहे हो, ठीक है। पहले जब हमारे टाइम में फेसबुक थी तो भाई बहुत लोग दिख रहे हैं, अलग अलग तरीकों से। हमारे समय में ना इंटरकनेक्टेडनेस जो है, एक दूसरे कंट्रीज के बीच में जो है ना, इतनी ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ गई है। तो हम लोगों को ऐसा लगता है, अब ट्रेड कितना होता है आज के समय पे, हमारा अमेरिका के साथ भी ट्रेड है, यूरोप में भी, सब देशों के साथ है, रशिया के साथ भी है, सबके साथ ट्रेड लिंक्स भी है, ठीक है। ग्लोबल वर्ल्ड मतलब क्या हुआ, ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया आपस में इंटरकनेक्टेड है। बट ये मत सोचो कि ये अभी पॉसिबल हुआ है कि भाई अब टेक्नोलॉजी अच्छी है तो अभी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, आपस में सब लोग कनेक्टेड है दुनिया में। नहीं, ये पुराने जमाने से, बहुत पुराने जमाने से। ये मत सोचो कि भाई पुराने जमाने में तो जो एक जगह के लोग थे वो वहीं रहते थे, वहीं मर जाते थे, उनका आसपास से कोई लिंक नहीं था। नो, ग्लोबल वर्ल्ड के लिंक्स जो है प्री मॉडर्न वर्ल्ड तक के, ये आप जानोगे इस चैप्टर में, जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, ठीक है। तो जैसे मैंने क्या बताया आपको, ग्लोबल वर्ल्ड क्या है, ग्लोबल वर्ल्ड मतलब जहां पे दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये इन दिस वी विल डिस्कस कि ग्लोबल वर्ल्ड बना कैसे था। तो अगर तो ये चैप्टर मैंने कहा इतना बढ़िया चैप्टर है, फुल भी आ जाता तो बढ़िया था, बट तुम्हारे लिए चैप्टर बिल्कुल शॉर्ट हो चुका है, बिल्कुल इसे कट कर दिया, शॉर्ट क्लियर कर दिया इसके चैप्टर के। तो बहुत ही सिंपल हो गया, अभी हमारा चैप्टर बहुत छोटा सा हो गया, बस टॉपिक नंबर 1 से 1.3 तक पढ़ना है। तो शुरू के 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो चलो जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो जब अगर ये चैप्टर पढ़ना है तो सबसे पहले हमें ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन वाली दुनिया आखिर में बनी कैसे। तो ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, तो ग्लोबलाइजेशन रेफर टू फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज और जो है पीपल एंड मनी, मनी या फिर आप कैपिटल कह सकते हो, अक्रॉस द ग्लोब या फिर अक्रॉस द कंट्रीज। कि ग्लोबलाइजेशन में क्या था कि कोई गुड्स जो है, आपकी यहाँ पे कोई फैक्ट्री है, वहाँ पे आपने कुछ प्रोडक्ट बनाया, वो जो है आप बाहर के देश में भेज रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप बेच रहे हो उनको, आप उनसे कुछ खरीद रहे हो। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या था, सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आता है, सर्विसेज का और गुड्स का लेन देन, कि हम भाई बाहर के देशों को कुछ बेच रहे हैं, उनसे कुछ खरीद रहे हैं। सेकेंड, ग्लोबलाइजेशन में ट्रांसफर ऑफ मनी आता है। ऑब्वियसली जब आप कुछ खरीदोगे दूसरे कंट्री से तो उनको पे करोगे, उनके पास पैसा जाएगा, वो आपसे कुछ खरीदेंगे, वो आपको पे करेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन में ट्रांसफर ऑफ मनी भी आता है। एंड थर्ड, ग्लोबलाइजेशन में ट्रांसफर ऑफ पीपल भी आता है। ये मत सोचो कि खाली, ये नहीं सोचते हैं कि खाली गुड्स का और मनी का ही फ्लो होता है, इनफैक्ट हम आम इंसानों का भी फ्लो होता है। हमारा फ्लो कैसे होता है, अब देखो कई बच्चों की जॉब लग जाती है तो वो बाहर जो है कोई जाके यूएसए में, कैलिफोर्निया सेटल हो गया, कोई जाके लंदन में सेटल हो गया, कोई जो है जो किसी की जॉब यहाँ लग गई, किसी की समझ लो तुम दुबई वगैरह में जॉब लग गई तो वहाँ कोई चला गया। तो पीपल का भी तो मूवमेंट होता है, पीपल के मूवमेंट को माइग्रेशन कहते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन में ये सब चीज़ें आती है। अब हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये आज का ही फिनोमेना है, अभी हो रहा है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। प्री मॉडर्न वर्ल्ड से ये सब चीज़ें होती थी। और अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो मैंने तुम्हें लास्ट चैप्टर्स में हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में बताया था, और आपकी बुक में यहां बता रखा है उसके बारे में कि हरप्पन सिविलाइजेशन जो वर्ल्ड की अर्लीस्ट सिविलाइजेशन में से एक है, जो हमारी कंट्री के अंदर थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उस जमाने में भी जो हरप्पन पीपल थे ना, हमारे यहाँ के जो लोग थे वो ट्रेड करते थे। 6 में याद है ना, हरप्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो वगैरह पड़ा था, तो उनके ट्रेड लिंक्स थे ओमान तक से। ओमान का है, वेस्ट में है, ठीक है, जो अफ्रीका के पास वाला जो रीजन है वहाँ पे ओमान है। तो ओमान तक से हमारे जो है, समझ लो तुम, हमारे ट्रेड लिंक्स थे उस ज़माने में। वो पता नहीं कौन सी बीसी की बात है, तो बहुत 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 पुराने ज़माने की। हमारे से ओमान के लोग कुछ खरीदते थे, हम उन्हें कुछ बेचा करते थे, इस तरीके से हमारी लिंक्स थे। तो भाई ये आज की बात नहीं है कि ग्लोबल वर्ल्ड आज शुरू हुआ है, और यही पूरी बात जो मैंने अभी तुम्हें समझाई है, यही आपके स्टार्टिंग के टॉपिक्स में लिखी हुई है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक सिस्टम इमर्ज हुआ सिंस लास्ट 50 ईयर्स से, ऐसा हमें लगता है कि भाई ये तो ग्लोबलाइजेशन लास्ट 50 ईयर्स से इमर्ज हुआ है, बट ऐसा नहीं है। द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड है, उसकी लॉन्ग हिस्ट्री है, ऐसा नहीं आज हुआ है, हमेशा से रहा है ग्लोबल वर्ल्ड। पहले जमाने में भी ट्रेड होता था, माइग्रेशन होता था, और लोग इधर से उधर घूमते थे, माइग्रेट करते थे इन सर्च ऑफ कैपिटल। कुछ लोग बिगिन आर चैप्टर, अब आपको ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग समझ में आ गया, और आपको यह भी पता है कि आज से नहीं होता है, पहले जमाने से होता है। तो अब हम ये देखते हैं कि पहले जमाने में ग्लोबलाइजेशन क्यों होता था। तो अगर हम बात करें लॉन्ग हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री में बात करें, तो हिस्ट्री में ग्लोबलाइजेशन होता था ट्रेड के थ्रू। यस, भारत में लोग ना मसाले खरीदने आते थे, चाइना का सिल्क बहुत फेमस था, तो हिस्ट्री में भी ट्रेड रूट्स जो है बने हुए थे और ट्रेड हुआ करता था। दूसरा, बहुत सारे लोग हिस्टोरिकली भी, बहुत पुराने जमाने में भी माइग्रेट करते। अब तुम सोचो उस जमाने में कौन सी जॉब मिल रही थी एमएनसी में, तो ये माइग्रेट करते रहते थे लोग। तो लोग उस जमाने में माइग्रेट करते थे इन सर्च ऑफ वर्क, कभी कोई काम के सर्च में। इवन जो है कई बार पता है, यहाँ अफ्रीका से और हमारे इंडिया से भी स्लेव्स बना के ये ब्रिटिशर्स भेजते रहते थे, कभी फिजी आइलैंड पे, कभी अमेरिका में, कि वो वहां जाके स्लेव्स वहां पे काम करवाते थे उनसे। तो वो भी एक टाइप का माइग्रेशन हो गया, एक कंट्री से दूसरी कंट्री स्लेव्स को भेजा और वहां उनसे काम।
काम करा रही है। नेक्स्ट, बहुत सारे एंशियंट टाइम्स में ना ट्रैवलर्स हुआ करते थे, वो बड़े फेमस फेमस, मार्को पोलो एक बहुत फेमस ट्रैवलर है जो इंडिया आया था, एंड इबन बतूता हमने पढ़ रखा है 6th-7th class में, वो एक बहुत फेमस ट्रैवलर था जो इंडिया आया था। तो ना हर राजा लोगों के अपने अपने ट्रैवलर्स होते थे जो अलग अलग देशों में जाते थे, उनको पहचानते थे, वहाँ पे बुक्स बना लेते थे अपनी जो जो देखते थे, और फिर अपने राजा को जाके बताते थे जो हम उस देश में ये देख के आए हैं। और कई तो ना ट्रैवलर्स इतने चालू होते थे जब अपने राजा को जाके बताते थे कि ये सब हम देख कर आए हैं, तो उनका राजा सोचता था यार ये कंट्री तो बहुत बढ़िया, और उन पर ही आके हमला कर दिया करता था। तो ट्रैवलर्स आते थे एंशियंट टाइम से, ट्रेडर्स आते थे, जैसे मैंने आपको कहा हमारे इंडिया में इतने ट्रेडर्स आते थे, सिल्क रूट से कोई आ रहा है, कोई भारत से स्पाइसेस खरीदने आ रहा है, कोई हमारे कपड़े खरीदने आ रहा है, कुछ ना कुछ खरीदने आते रहते थे। इवन प्रीस्ट्स, प्रीस्ट कौन हो गए, पंडित कह सकते हो आप, या जो भी जो रिलीजियस जो स्कॉलर्स होते हैं वो घूमते थे इधर से उधर अपने जो है धर्म का प्रचार करने के लिए। और पिलग्रिम्स जितने भी श्रद्धालु होते थे, पिलग्रिम्स मतलब श्रद्धालु, तो जो एंशियंट श्राइन्स होती थी उन पे जाने के लिए वो लोग ट्रैवल करते थे। एंड जो है इसी तरीके से पहले ज़माने में भी ग्लोबल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता था, आज नहीं हुआ है, तब से शुरू है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि कोई ट्रैवलर इंडिया आया है या अमेरिका गया है, जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर करा, वास्को दि गामा इंडिया आए थे, अगर कोई ट्रैवलर सेलर कहीं भी गया है तो ऐसा नहीं है कि वो बस वहाँ सीधा अकेला वहाँ पहुँच जाता है। जब कोई एक कंट्री का इंसान दूसरी कंट्री पहुँचता है तो वो अपने साथ और भी बहुत सारी चीज़ें लेकर आता है, जैसे कि कुछ गुड्स। अब जब मार्को पोलो इंडिया आया था तो कुछ गिफ्ट्स लेकर आया था हम लोगों के लिए, हम उसे जब भेजा हमने उसको कुछ गिफ्ट देके भेजा। तो जब भी ट्रैवल होते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें लोग लेकर आते हैं। अब हमारे इंडिया में कोई चीज़ ऐसी होगी जो हमें पहले नहीं पता, तो बाहर के देश से कोई आया तो अपने साथ वो लाया, ठीक है। चाइना से ट्रैवलर्स आते थे, अलग अलग चीज़ें चाइना की हमारे यहाँ लेकर आते थे, तो गुड्स आते हैं। दूसरा मनी आता है, ऑब्वियसली पैसे आते हैं हमारे ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। और क्या आता है ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, वैल्यूज़, हम उनके कल्चर के बारे में जानेंगे। अब कोई अमेरिका से तुम्हारे यहाँ, अमेरिका नहीं करेंगे हम, अब हम कोई सिटी का नाम लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं कह रही हूँ तुम्हारे यहाँ कोई लंदन से आया, कोई ब्रिटिशर आया है, ठीक है, तो तुम उनके कल्चर के बारे में कुछ जानोगे, उनकी वैल्यूज सीखोगे, तुम वहाँ जाओगे अपनी वैल्यूज उनको सिखाओगे। तो पुराने ज़माने में भी ये था। इवन स्किल्स ऑल्सो, अलग अलग स्किल होते हैं, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में कितनी सारी स्किल्स आती हैं सब लोगों को, ठीक है, तो बाहर के देश में भी लोगों को कुछ स्किल आती होगी। किसी को भैया बोट बनानी आती है सपोज करो, और वो ट्रैवलर आया है इंडिया, तो उसने इंडिया वालों को आके वो बोट बनाना सिखा सकता है। अब हमें ऑलरेडी आती है बोट बनानी, ऐसा नहीं है, बट कुछ और नए तरीके बता देगा, कुछ और उसे कुछ अलग सी चीज़ आती है तो हमें ला के सिखा देगा। तो जब एक इंसान ट्रैवल करके जा रहा है तो सिर्फ वो इंसान नहीं जाता, उसके साथ उसकी नॉलेज, उसका स्किल, सब कुछ ट्रैवल होता हुआ जाता है। इनफैक्ट इन्वेंशन, आइडियाज़, इन सबका भी ट्रैवल होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट भैया, उस ज़माने में ना एक चीज़ और ट्रैवल होती थी, वो थी जर्म्स एंड डिजीज। और ये सिर्फ उस ज़माने की बात नहीं, अभी कोरोना वायरस के समय पर फ्लाइट्स क्यों बंद कर दी गई थी, क्योंकि भाई अगर एक इंसान को कोई कोरोना था तो ये था ना कि भैया दूसरे देश तक ना पहुंच जाए उसका कोरोना, और वहां जाके इतने लोगों को हो जाए। तो एग्जैक्टली जर्म्स एंड डिजीजेस भी, कई ट्रैवलर्स अपने साथ नए नए जर्म्स एंड डिजीजेस भी लाते थे, और कोई अगर उस देश का जहां पे वो उतरे हैं वहां के लोग अगर उससे इम्यूनिटी नहीं होती थी उस जर्म और डिजीज से, तो वहां पे बिल्कुल महामारी फैल जाती थी और वो लोग मरने शुरू हो जाते थे। एक आप एग्जांपल भी देखोगे कि एक स्पेनिश लोग इतने ज्यादा चालू थे कि एक बार इन्होंने एक डिजीज को, जो स्मॉल पॉक्स डिजीज होती है, उसको एक ना वेपन की तरह यूज करा था अमेरिकन पॉपुलेशन को मारने के लिए। तो वो एंड टॉपिक में आप पढ़ने वाले हो। तो ये सब चीज़ें पुराने जमाने, जैसे आजकल हम कई सारी मूवीज़ में देखते हैं ना बायोलॉजिकल वेपन, तो ये तो बायोलॉजिकल वेपन हो गया कि आप किसी इंसान में कोई जर्म्स और डिजीज़ से कोई मर रहा है और उसको तुम कहीं और भेज दो जहाँ पे वो डिजीज़ की इम्यूनिटी नहीं है, वहाँ की पूरी पॉपुलेशन स्वाइप हो जाएगी। तो उसका मतलब क्या है, ये जो बायोलॉजिकल वेपन भी बनते थे भाई साहब पुराने ज़माने से। तो इट इज़ नथिंग न्यू कि हम अपना ग्लोबल वर्ल्ड में बहुत उसको अलग मान रहे हैं। हाँ, ये हुआ कि धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी बढ़ी तो ग्लोबल वर्ल्ड बढ़िया हो गया, टेक्नोलॉजी आई, जैसे ब्रिटिशर्स के ज़माने में जब वो हुआ बोट बनी, बढ़िया बढ़िया शिप विप बने, तो ये आ गए, सी रूट्स पता चल गए, तो टेक्नोलॉजी, टेलीफोन आया, फिर पोस्टेज सिस्टम, ये सब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी तो ग्लोबलाइजेशन का फ्लो इंक्रीज हो गया, फ्लो होता पहले से ही, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा रही हूँ, जिससे ये शॉर्ट सा चैप्टर है, तो इस पे काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे, तो आपको बताओ, ठीक है। चलो चलो अब आगे पढ़ लेते हैं। ये आपको एग्जांपल वो हरप्पन सिविलाइजेशन वाला जो मैंने कहा ना, वही है यहाँ पे गिवन है। एज अर्ली एज 3000 BCE एक्टिव कोस्टल ट्रेड लिंक्स थे इंडस वैली सिविलाइजेशन से प्रेजेंट डे वेस्ट एशिया तक। यही तो बात बताई मैंने आपको अभी कि भाई ये आजकल का ग्लोबलाइजेशन नहीं है, 3000 BCE मतलब कि हरप्पन वैली सिविलाइजेशन को ही इंडस सिविलाइजेशन बोला जाता है। कल को 12th में ह्यूमैनिटीज लोगे, 11th में तो पढ़ाऊंगी मैं ये सब आपको। तो तब से जो है हमारे कोस्टल ट्रेड लिंक्स थे, सी रूट्स थे, कोस्टल ट्रेड लिंक्स मतलब सी रूट्स, लैंड रूट नहीं था। एंड फॉर मोर देन अ मिलेनिया जो कोरीज हैं, हिंदी कोरी या फिर सी शेल, जो समुद्र के पास सी के सिपियां नहीं होती, जो शेल होती है, उसको करेंसी की तरह यूज करा जाता था। यानी कि जैसे पैसे हम आजकल यूज करते हैं पेपर नोट्स, तो हमारी जो कोरीज होती थी उनको करेंसी की तरह यूज करा जाता था। एंड फ्रॉम मालदीव्स फाउंड देयर वे टू चाइना एंड ईस्ट अफ्रीका। स्प्रेड ऑफ डिजीज कैरिंग जर्म्स मे बी ट्रेस्ड एज फार बैक एज द 7th century। जो ये जर्म्स का ट्रांसफर होना शुरू हुआ ना डिजीजेस का, वो शुरू हुआ हमारा
सेवेंथ सेंचुरी से, बाय द 13th सेंचुरी इट हैड बिकेम अनमिस्टेकेबल लिंक। और 13th सेंचुरी तक हमें समझ में आया कि यार ये तो बहुत गलत चीज़ है कि इस तरीके से जर्म्स भी जो हैं वो ट्रैवल जो है एक इंसान के साथ हो सकते हैं। अब आते हैं हम टॉपिक नंबर 1 पे, जो है हमारा सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड। तो आपने फेमस सिल्क रूट के बारे में ज़रूर सुन रखा होगा जो चाइना से चलता है, एंड ये एक लाख पुराने ज़माने में चाइना का जो सिल्क है वो जो है क्या होता था, वो जो है ऑब्वियसली इधर उधर भेजा जाता था, ठीक है। तो वही सिल्क रूट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सिल्क रूट एक बहुत वाइब्रेंट एग्जाम्पल है प्री मॉडर्न ट्रेड का। अब मॉडर्न वर्ल्ड है ना, तो मॉडर्न वर्ल्ड से पहले के ट्रेड का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सिल्क रूट। और सिर्फ सिल्क रूट से गुड्स नहीं जाते थे, कल्चरल लिंक्स भी बने बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट, द नेम सिल्क रूट पॉइंट्स टू द इंपॉर्टेंस ऑफ वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोज अलॉन्ग द रूट। यानी कि सिल्क रूट इसका नाम क्यों रखा गया, इतनी पेचीदा लैंग्वेज यूज होती है एनसीईआरटी में, क्या है यही लिखा है भैया कि इसका मतलब है जो सिल्क कार्गोज में बैठ बैठ के, जैसे आजकल ट्रक भर भर के सामान जाता है, तो पुराने जमाने में वो घोड़ागाड़ी होगी, बैलगाड़ी होगी, टोंगाज होंगे, उनके थ्रू या लोग भी उठा के ले जाते थे पुराने जमाने में। तो जो है पुराने जमाने में जो ये सिल्क जो है भेजा जाता था वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, उसी को जो है उस वाले रूट को हम सिल्क रूट कहते हैं। हिस्टोरियंस have identified various silk routes. Silk routes की बहुत सारी सड़कें हैं, लैंड में भी हैं, सी में भी हैं, सी में भी बहुत सारे silk routes हैं, knitting together regions of Asia with Europe and Northern Africa. तो silk routes की पकड़ कहाँ तक है? Silk routes पहुँचा था हमारे जो है आप समझो चाइना से, ठीक है, चाइना हमारा तो नहीं है, चाइना जो होगा चाइना से लेकर मान लो ये जो silk route की पकड़ थी एशिया से यूरोप तक की और नॉर्थ अफ्रीका तक की। तो अफ्रीका का जो ऊपर वाला भाग है ना, नॉर्दर्न अफ्रीका, वहाँ तक जो है सिल्क रूट की सड़कें और सिल्क रूट का कोस्टल भी जो है फैल रखा था। तो सिल्क रूट पे आपको सिंपल ना वो आएगा, एक डेफिनेशन लिखने को या एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा डिफाइन सिल्क रूट, तो उसमें आपको ये 4-6 पॉइंट बताने होंगे। और जितने भी सिल्क रूट है उन्हें कहा जाता है कि वो कब तक एग्जिस्ट करते थे, एक्टिव कब तक थे सिल्क रूट। होगी तो सिल्क रूट की सड़कें अब भी हैं, तुम कभी किसी व्लॉग वगैरह डाल के देखना यूट्यूब पे, लोग दिखाते हैं भाई ये सिल्क रूट की सड़क है, तो सिल्क रूट तो अब भी है, सड़क थोड़ी टूट गई, रास्ता थोड़ी खत्म हो जाएगा। बट जो सिल्क रूट एक्टिव थे वो क्रिश्चियन एरा से पहले पहले एक्टिव थे, यानी कि समझ लो कि 15th सेंचुरी तक एक्टिव रहते थे सिल्क रूट, तब तक ट्रेड हुआ था। और 15th सेंचुरी के बाद इनएक्टिव क्यों हो गए थे सिल्क रूट, क्योंकि अभी आप आगे पढ़ोगे, क्योंकि 15 सदी के बाद 15th सेंचुरी के बाद में चाइना खुद आइसोलेशन में चला गया था। आइसोलेशन में जाना मतलब चाइना ने ट्रेड करना बंद कर दिया था बाकी देशों के साथ। तो भाई इसका सिल्क कहां, ट्रेड करना बंद कर दिया तो सिल्क रूट का यूज किस लिए करता, सिल्क तो ट्रेड करने के लिए रूट को जो है यूज कर रहा था ना ये, ठीक है। बट चाइनीज पॉटरी, बट उसके बाद भी हमने देखा कि चाइनीज जो पॉटरी थी वो इसी रूट से जाती थी। ऐसा नहीं है कि भैया सिल्क रूट है अगर तो मतलब ये नहीं कि सिर्फ सिल्क ही जा रहा होगा, चाइना की पॉटरी जाती थी इसी सिल्क रूट से। हम इंडियंस की जो स्पाइसेस थी और हमारी टेक्सटाइल की तो फैन थी पूरी दुनिया, तुम ये समझ लो हमारा एक कपड़ा होता था मसलिन और भी बहुत सारी चीज़ें, हमारी तो पूरी दुनिया फैन थी उस समय पे, ये समझो तुम। तो जो है हमारी स्पाइसेस, इवन प्रेशियस मेटल जैसे गोल्ड और सिल्वर भी इसी सिल्क रूट के थ्रू ट्रैवल करके जाता था। तो तुम्हें समझ में आ गया भाई सिल्क रूट बहुत इंपॉर्टेंट था, पूरे के पूरे वर्ल्ड को एक तरीके से जो सिल्क रूट था वो लिंक करता था। ओके चलो, जैसे आजकल तुम्हारा इंस्टाग्राम कर रहा है लिंक, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंजेस ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड। क्रिश्चियन मिशनरीज ऑलमोस्ट सर्टेनली ट्रैवल टू दिस रूट टू एशिया। जो क्रिश्चियन मिशनरीज यूरोप से एशिया आए वो इसी सिल्क रूट के थ्रू आए थे, एंड इसी तरीके से जो मुस्लिम प्रीचर्स थे वो भी यहां तक आए थे इसी सिल्क रूट के थ्रू। मच बिफोर ऑल, और इस सबसे पहले क्रिश्चियन के आने और मुस्लिम्स के आने से पहले जो बुद्धिस्ट थे, जो बुद्धिज्म जो डिराइव हुआ हमारा, जो बुद्धिज्म कहाँ पता है कहाँ से डिराइव हुआ है, बुद्धिज्म डिराइव हुआ है हमारा इंडिया से ही, ईस्टर्न इंडिया से ही, क्योंकि जो हमारे गौतम बुद्ध हैं वो एक हिंदू किंगडम के ही प्रिंस थे। तो जो है जब बुद्धिज्म जो है जब इमर्ज हुआ और जो बुद्धिस्ट कल्चर जब डेवलप हुआ, तो बुद्धिज्म को भी इसी रूट के थ्रू, दिन चाइना में बहुत बुद्धिज्म एक्सपैंड हुआ और लोगों ने बहुत बिलीव करा बुद्धिज्म में चाइना के अंदर, एंड जो है वहीं इसी सिल्क रूट से बुद्धिज्म बाकी देशों में जाके जो है वहाँ से टीचर्स जाते थे और उन्हें समझाते थे व्हाट इज़ बुद्धिज्म, एंड जो उन्हें अच्छा लगता था तो वो बुद्धिस्ट कल्चर को बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करना स्टार्ट करते थे। तो बुद्धिज्म इमर्ज फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया एंड स्प्रेड इन सेवरल डायरेक्शन थ्रू इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑन द सिल्क रूट। तो मतलब सिल्क रूट का यूज सिर्फ सिल्क भेजने के लिए नहीं हुआ, उसका जो यूज था वो इंडिया की स्पाइसेस पॉटरी और कपड़ा और साथ ही के साथ में रिलीजन के स्प्रेड होने में भी सिल्क रूट से फायदा मिला, ट्रैवलर्स को आने जाने में फायदा मिला एंड एक्सेट्रा, ठीक है। तो सिल्क रूट खत्म। अब आएगी बात टॉपिक नंबर 1.2 फूड ट्रैवल्स कि पता है जब सपोज करो कि अगर तुम चाइना चले गए वहाँ जाके कीड़े देख रहे हो तो तुम हैरान हो जाओगे ना भाई ये लोग कीड़े खा रहे हैं, अब तुम तो नहीं खाओगे कीड़े, ठीक है। या फिर तुम गए हो किसी, तुम पहली बार इटली गए हो वहाँ जाके तुम्हें पास्ता पहली बार देखने को मिल रहा है लाइफ में, तो तुम कहोगे ना यार ये तो बढ़िया चीज़ है, ये तुम कुछ 1 किलो घर भी ले आओगे या चलो बना के घर पर भी खा लेंगे, अपने सीख लोगे उनसे कैसे बनाते हो, घर पर ला के उगा के बना के खा लोगे, मैदे से बनता है तो मैदे से खुद घर पर बना के खा लोगे, ठीक है। तुम गए हो कहीं पर जहाँ तुमने पहली बार देखा
कि भाई यहाँ पे तो नूडल्स बन रही है, तो तुम्हें नूडल्स अगर अच्छी लगी तो तुम घर ला के बना के खा लोगे। तो ऐसा नहीं था कि ग्लोबल वर्ल्ड होने से सिर्फ और सिर्फ ये पैसे का लेन देन और गुड्स का सर्विसेज का हो रहा था, भाई खाना भी ट्रांसफर हुआ इसी तरीके से। जब कोई फॉरेन ट्रैवलर आ रहा है इंडिया, वो अपने बैग में अगर कुछ खाने की चीज़ लेकर आ रहा है तो हमें दिखेगी भैया ये इस टाइप का खाना खाते हैं। और इसी तरीके से जो है फूड का भी ट्रैवल हुआ था। तो फूड के ट्रैवल के क्या क्या एग्जाम्पल है हम ये पढ़ लेते हैं। जैसे कि स्पेगेटी और नूडल्स को कहा जाता है कि वो जो है ना वेस्ट में, अब वेस्ट वाले तो बहुत बनते हैं खुद को स्पेगेटी पे अपनी, ऐसा कहा जाता है कि जो वेस्ट में स्पेगेटी है ना वो चाइना से गई है, कि चाइना में नूडल थी और चाइना से जो नूडल है वो वहाँ गई, तो उन्होंने उसका नाम रख दिया स्पेगेटी। थोड़ा बहुत चेंजेस ला दिए उसमें, उन्होंने अपनी रेसिपी थोड़ी अलग कर दी, तो चाइना से गया है नूडल और वहाँ जाके बन गया स्पेगेटी। इवन परहैप्स ये कहा जाता है कि जो अरब ट्रेडर्स थे 5th सेंचुरी के, वो अरब ट्रेडर्स लेके गए थे पास्ता को कहाँ पे, सिसिली में। सिसिली क्या है भैया, वो पढ़ा है ना राइज ऑफ फ्रांसिसम इन यूरोप में, द 2 किंगडम्स ऑफ सिसिली जिसमें बर्बन किंग का रूल था, फिर वो सार्दिनी पीडमोंट वाले राजा ने उसको जो है किसकी मदद से, वो पता नहीं कौन से गारिबाल्दी की मदद से हरा दिया था ना आई थिंक सो वहाँ पे, और जो है क्या हुआ था फिर वो भी इटली बन गया था। तो वो ही 2 किंगडम ऑफ सिसिलीज के अंदर अरब ट्रेडर्स वो लेकर गए थे पास्ता, और उन्होंने इटली वालों ने कह दिया भाई पास्ता इनका है, ठीक है। तो ये मैं रीड करके बता रही हूँ यहाँ से। तो अरब ट्रेडर्स टुक पास्ता टू 5th सेंचुरी सिसिली एन आइलैंड नाउ इन इटली, ठीक है, ये देख सकते हो तुम। ऐसा कहा जाता है कि अरब ट्रेडर्स लेके गए थे वहाँ पे पास्ता। चलो, सिमिलरली फूड्स वर ऑल्सो नोन इन इंडिया एंड जापान। ऐसे ही बहुत सारे फूड्स इंडिया और जापान के अंदर भी आए, बट इनका ओरिजिन हमें नहीं पता कि कौन सा हमारे यहाँ कहाँ से आया, कौन सा नहीं कहाँ से नहीं आया, सब थोड़ी पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, अब ये वाला पैराग्राफ देखते हैं। अब ये वाले पैराग्राफ में और खाने की चीज़ों के बारे में बता रखा है। इसमें बताया मेनी ऑफ कॉमन फूड्स, बहुत सारे कॉमन फूड्स जैसे पोटैटो, आलू, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मेस, टमाटो, चिलीज एंड स्वीट पोटैटोज को लगभग 5 सेंचुरी पहले तक एशिया वालों को और यूरोप वालों को पता ही नहीं था। इसमें हमें मत कंसिडर करना, मेरे को तो लगता है हमारे इंडियंस को तो सब पता ही होगा, हम तो शुरू से ही आलू खाते होंगे, ठीक है, ऑब्वियस बात है, बट बाकी भी तो बहुत कंट्रीज थी ना एशिया में और यूरोप में। तो ऐसा कहा जाता है भाई कि जो एशिया और यूरोप है ये दोनों कॉन्टिनेंट्स में 5 सेंचुरीज पहले तक ये सारे खानों की चीज़ें आइटम थी नहीं, उगाई नहीं जाती थी। फिर किसने बता दिया उगाने को, तो ये ऐसा बताया गया है कि जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो है अमेरिका को डिस्कवर करा, तो वहाँ पे, और अमेरिका कौन सा था जब उसने अमेरिका डिस्कवर करा था, तो उसमें नॉर्थ अमेरिका भी था, साउथ अमेरिका भी था और कैरेबियन आइलैंड्स भी था, ठीक है। तो जब उसने इन तीनों को डिस्कवर करा तो वहाँ पे जो लोकल पॉपुलेशन थी वहाँ की, जिन्हें हम अमेरिकन के नेटिव्स कहते हैं, इन्हें अमेरिकन इंडियंस भी बोला जाता है, तो वहाँ पे ये अमेरिकन इंडियंस, क्योंकि बहुत फर्टाइल सॉइल थी अमेरिका की, वहाँ पे ये लोग ये उगाते, तो क्रिस्टोफर कोलंबस को पता चला, उसने सीखा और फिर वो चीजें एशिया और यूरोप आई। अब तुम्हें पता है क्रिस्टोफर कोलंबस ना इंडिया ढूंढने निकला था, ठीक है, अब वो इंडिया ढूंढने के लिए निकला था, बस उसे इंडिया नहीं मिलता है, वो वहां पहुंच जाता है, यहां गलती से उसने अमेरिका डिस्कवर कर लिया था, निकला तो वो इंडिया ढूंढने के लिए था। तो जब वो वहां डिस्कवर कर लिया था अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका था, साउथ अमेरिका था और कैरेबियन आइलैंड्स था, तो तभी जो कैरेबियन आइलैंड्स है ना उन्हीं को हम वेस्ट इंडीज भी कह रहे थे, उनमें से एक जगह है वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज क्यों, क्योंकि उसको ने क्या कहा, ये तो वेस्ट का इंडिया है, वेस्ट इंडीज। तो समझ रहे, ये सब फैक्ट्स तुम्हें पता होने चाहिए कि ये भाई साहब पता, ऐसा था हमारा कंट्री, हमारा इंडिया, कि हर जगह से हर ट्रैवलर, हर सेलर, उसकी नाव आके रुकती थी इंडिया पे, उसको इंडिया ढूंढने ही निकलता था हर कोई, कभी किसी ने इंडिया ढूंढने के चक्कर में कुछ पकड़ लिया, कभी कुछ पकड़ लिया, और अमेरिका का डिस्कवर हो जाता है। अमेरिका के जो लोग होते हैं वो नेटिव अमेरिकन्स होते हैं, और तभी उनको ना अमेरिकन इंडियन भी कहा जाता है। उसने अमेरिकन इंडियन क्यों कहा, क्योंकि वो तो इंडिया ढूंढने निकला था ना, तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि उसने उन लोगों को कह दिया भाई अमेरिकन इंडियन है, ठीक है। तो दे आर फेमसली नोन एज अमेरिकन इंडियन, ठीक है। अब समटाइम्स न्यू क्रॉप्स कुड मेक अ डिफरेंस, क्या मतलब, अब सोचो कोई एक जगह है वहाँ पे किसी को पता ही नहीं भाई आलू उगा के खा सकती हो तुम, और उसे पता चल जाए, कोई ट्रैवलर अपने साथ जेब में कुछ बीज रख लाए आलू के, और जो है उससे अगर वो आलू उगा ले, आलू तो वो स्टेम से उग जाता है ना, रूट होता है आलू, याद ही नहीं आ रहा कैसे उगता है आलू, चलो बता देना तुम। तो अगर आलू उगाना उन्हें मजे, तो ऐसे ही हुआ आयरलैंड के अंदर, कोई आयरिश आयरलैंड था वहाँ पे ना, बहुत लोगों पे इतना खाने पीने की आइटम्स नहीं थी, और वहाँ पे एक ट्रैवलर गया, उसने उनको सिखा दिया भाई आलू खाना, और वो बड़े खुश, उन्होंने बहुत आलू उगाए खेतों में, आलू उगाए और वो पागलों ने आलू ही आलू खाना शुरू कर दिया। अब एक समय ऐसा आया कि वहाँ हो गई फेमाइन, आ गई उनकी आलू की फसल खराब हो गई, तो पता है क्या हुआ, वहाँ इतने सारे लोग मर गए क्योंकि उन्हें आलू खाने को नहीं मिल रहा था। तो जो है यूरोप के जो पुअर पीपल थे उनको आलू बहुत सस्ता पड़ता था, कि वो रोज़ रोज़ आलू खाते रहते थे और इतनी एनर्जी मिल जाती थी, कार्बोहाइड्रेट होता है। बट क्या हुआ, मिड 1840s के अंदर पोटैटो की खराब क्रॉप होने की वजह से ये लोग मर गए। जैसे ये देखो, ये फोटो है, ये एक आयरिश पोटैटो फेमाइन दिखा रहा है, एक बच्चा है छोटा सा, ये क्या कर रहा है, ये ना जमीन को खोदे जा रहा है, इसे लग रहा है कि कोई आलू बाई चांस निकला है, बट ना फसल खराब हो गई थी, आलू नहीं निकलता। ये देखो, मर्चेंट्स फ्रॉम मेनरिस ऑन द ओरिएंट एक्सचेंजिंग गुड्स फ्रॉम मार्को पोलो, ये मार्को पोलो ट्रैवलर है, ये इंडिया भी आया था, ठीक है। तो ये देखो, ये गुड्स एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से पुराने ज़माने में भी ट्रेड होता था। वापस आते हैं हमारा लास्ट टॉपिक पे, कॉन्क्वेस्ट डिजीज एंड ट्रेड, इसको मैं कहूँ भैया बायोलॉजिकल वेपन। अब एक ज़माना ऐसा था जब ये बड़ी बड़ी, जैसे ब्रिटिशर्स हमारे पे कब्जा करने आए थे तो बहुत सारी सेना और आर्मी लेकर आए थे, बट कभी कभी ये चालू बनती भी करी इन्होंने कि
क्यों भैया बम गोले और एम्यूनेशन पे पैसा खर्च करें, एक इंसान के साथ वायरस भेज देते हैं पॉपुलेशन स्वाइप करने के लिए, ऐसा खतरनाक किस्से भी करे हैं इन लोगों ने। तो चलो पढ़ लेते हैं। द प्री मॉडल वर्ल्ड श्रैंक ग्रेटली इन 16th सेंचुरी आफ्टर यूरोपियन सेलर फाउंड अ सी रूट टू एशिया। तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक हो गया, मतलब दुनिया छोटी हो गई। पहले लोगों को पता ही नहीं था, यूरोप वालों को पता ही नहीं था दुनिया कितनी बड़ी है और कौन कौन सी जगहें हैं, बट धीरे धीरे इन्होंने सारी डिस्कवरी कर ली जब इन्हें सी रूट पता चल गया, जब इन्होंने शिप बनाए और सी रूट से इन्होंने डिस्कवर एशिया डिस्कवर कर लिया, अमेरिका कर लिया, तो मतलब बहुत कुछ चीज़ें इन्होंने डिस्कवर कर ली। जब इन्होंने एशिया और अमेरिका डिस्कवर कर लिया तो बच्चा ही क्या था, ज़्यादा चीज़ें अब और डिस्कवर करने के लिए, ठीक है। फॉर सेंचुरी बिफोर द इंडियन ओशन हैड नोन फॉर बसलिंग ट्रेड। बहुत सेंचुरीज तक ना इंडियन ओशन, जो हमारा इंडिया और हमारा ओशन सबसे ज़्यादा बढ़िया जगह रहती थी ट्रेड की, हर समय हलचल लगी रहती थी, कभी कहीं पे गुड्स, कभी पीपल, कभी नॉलेज, कभी कस्टम्स, समझ लो क्रिस क्रॉस होती रहती थी वाटर पे। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हमारी जो कंट्रीज होने की चिड़िया, हम ऐसे ही नहीं कहते थे, हम सबसे मेजर सेंटर थे हर एक इकोनॉमिक या गुड के फ्लो के, सब कुछ हमारे यहाँ से होता वही जाता था या हम बेचते थे लोगों को, ठीक है। एंट्री ऑफ द यूरोपियंस हेल्प एक्सपैंड सम ऑफ दिस फ्लो, यूरोपियंस के आने से हम ये सब फ्लो एक्सपैंड हुए, ठीक है। बिफोर इट्स डिस्कवरी अमेरिका हैड बीन कट ऑफ फ्रॉम रेगुलर कॉन्टैक्ट विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर। अब तुम्हें पता है अमेरिका, बहुत ध्यान से सुनो इस बात को, आज के समय पर अमेरिका यूनाइटेड स्टेट इट्स अ सुपर पावर। अब यहाँ पे सिर्फ उस अमेरिका की बात नहीं हो रही है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और कैरेबियन आइलैंड्स तीनों की बात हो रही है। तो लोगों को, दुनिया को पता ही नहीं था कि अमेरिका है, मतलब यूरोप पता था हमें, एशिया पता था, इंडिया है, चाइना है, ब्रिटेन है, यूरोप है, यूरोप का फ्रांस है, ये है वो है, सबको पता था, बट किसी को ये नहीं पता था कि अमेरिका जैसी कोई जगह भी है, शिप लेके पहुंचे ही नहीं थे वहां तक। बट जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर करा तो पता चलता है वहां के जो अमेरिकन पीपल हैं वो चुपचाप अपनी जिंदगी आराम से जी रहे थे बहुत सालों से, मिलियंस ऑफ ईयर्स, और उन्हीं लोगों को अमेरिकन इंडियन, नेटिव अमेरिकन बोला जाता है, ठीक है। अब कितना बड़ा अमेरिका, ये तो पागल हो गए लुटेरे वहां पहुंच के ब्रिटिशर्स और ये सारे यूरोपियंस, की इतनी लैंड ही लैंड है, अगर खोद लिया जमीन में तो इतने मिनरल्स ही मिनरल्स है, तो ये पागल से हो गए वहां पहुंच के, इन्होंने वहां भी जाके सेटलमेंट शुरू कर दी। अब ये देखो, प्रेशियस मेटल पर्टिकुलरली सिल्वर फ्रॉम माइंस लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पेरू एंड मेक्सिको ऑल्सो एनहेंस यूरोप्स वेल्थ। अब ये यूरोप वालों को तो बहुत टेक्नोलॉजी थी और जो अमेरिका के लोग थे वो ट्राइबल कल्चर में रह रहे थे, तो ये यूरोपियन ने क्या करा, जब इनको अमेरिका पता चल गया तो ये सारे अमेरिका पहुंचे और इन्होंने अमेरिका की रिसोर्सेज को, जैसे हमारे एक्सप्लॉइट करा था, अमेरिका की रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करा, पेरू की जो है या आपको मेक्सिको की जो सिल्वर की माइंस थी वहां से सिल्वर निकाल निकाल के इन्होंने अपनी कंट्रियों में पहुंचाया और इन्होंने कॉलोनियलिज्म को ऐसे फैलाया था, ठीक है। इनफैक्ट एक कहानी थी इनके यहाँ पे कि जो साउथ अमेरिका है उसमें एक बहुत बड़ी सिटी ऑफ गोल्ड है, एल डोराडो, केजीएफ याद आ गई ना, हाँ, तो एल डोराडो जो है फेबल सिटी ऑफ गोल्ड थी कहाँ पे, साउथ अमेरिका में। तो इनके बहुत सारे ट्रैवलर्स ना उस सिटी ऑफ गोल्ड को ढूंढने जाते रहते हैं, बट इन्हें क्या पता था वो सिटी ऑफ गोल्ड तो हमारे पास भी थी, ठीक है। तो लेजेंड स्प्रेड इन 17th सेंचुरी यूरोप अबाउट साउथ अमेरिकाज फेबल्ड वेल्थ, मेनी एक्सपेडिशन सेट ऑफ इन सर्च ऑफ एल डोराडो द फेबल सिटी ऑफ गोल्ड, ठीक है। अब ये लास्ट टॉपिक आता है आपका इस चैप्टर का, वो है आपका स्पेनिश लोगों ने और पोर्चुगीज लोगों ने जो करा था, ठीक है। तो पोर्चुगीज एंड स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका वॉज अंडर द वे इन द मिड 16th सेंचुरी। मिड 16th सेंचुरी में स्पेनिश लोगों ने एंड पोर्चुगीज लोगों ने अमेरिका पे कब्जा करने जाने का उन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। अब जो है, अगर ये वहां जा रहे थे स्पेनिश कॉन्करर्स, जैसे ब्रिटिशर हमारे को कॉन्कर करने आए ना, वैसे ही ये स्पेनिश वाले अमेरिका पे हमला करने और उसे कब्जाने जा रहे थे। अब ये स्पेनिश वालों ने क्या करा, अपने साथ में मिलिट्री वेपन वगैरह तो लेके गए, बट इन्होंने क्या करा, इन्होंने सोचा कि क्यों ना कोई जर्म ले जाए, कोई डिजीज़ ले जाए। तो इनके यहाँ पे, स्पेनिश के यहाँ पे ना, जो स्मॉल पॉक्स नाम की डिजीज़ है वो ऑलरेडी आ चुकी थी, ठीक है। इसको स्पेनिश फ्लू भी कहा जाता है, स्मॉल पॉक्स, जिसमें जो है रेड रेड कलर के स्पॉट्स हो जाते हैं बॉडी पे। तो स्मॉल पॉक्स जो था ना, अब आज के जमाने में क्या, दवाई खा लो सही हो जाओगे, बट तब गाइस कोई दवाई ववाई नहीं थी। एक स्मॉल पॉक्स फैल गया पूरे गांव के अंदर, पूरा गांव मर जाता था, सब लोग मर जाते थे, दवाइयां थी नहीं इतनी। तो ये स्मॉल पॉक्स जो है, अब ये ऐसी डिजीज होती है स्मॉल पॉक्स, जैसे चिकन पॉक्स वगैरह भी तुमने सुना होगा, एक इंसान को लाइफ में एक ही बार होती है, दोबारा नहीं होगी, इम्यूनिटी बन जाती है बॉडी में। तो ये स्पेन के लोगों में तो बन गई थी इम्यूनिटी स्मॉल पॉक्स की। इन्हें लगा भाई अमेरिकन वहां रह रहे हैं जिंदगी भर से, इनमें तो कोई इम्यूनिटी नहीं होगी स्मॉल पॉक्स, तो इन्होंने एक बंदा बिठाया शिप पे जिसको स्मॉल पॉक्स की डिजीज थी और उसे ले गई अमेरिका। वहां से पूरे अमेरिका में स्मॉल पॉक्स फैल गया और बिना कोई बंदूक गोली चलाए, कोई वॉर लड़े, इन्होंने आधी से ज्यादा पॉपुलेशन को खत्म कर दिया अमेरिका की ये डिजीज फैला के। तो इसलिए मैं इसे बायोलॉजिकल वेपन कह रही हूं। बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग आइसोलेशन अमेरिकाज ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैड नो इम्यूनिटी अगेंस्ट दीज डिजीजेस जो यूरोपियंस इनके यहां बेच रहे थे। तो स्मॉल पॉक्स इज पर्टिकुलरली प्रूव टू बी अ डेडली किलर और इस वजह से अमेरिका के बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, मतलब समझ लो बहुत सारे लोग मर जाते हैं। तो गन्स कुड बी ब्रॉट और कैप्चर्ड एंड टर्न अगेंस्ट द इन्वेडर्स। तो अगर ये लोग अमेरिका में ना शिप गन उतार के पहुंचते गन हाथ में लेके, तो वो ट्राइबल पीपल भी खतरनाक ही थे, वो कोई कम थोड़ी थे, वो अटैक कर देते इनको, मार देते। बट ये बड़े चालूपंती से चले, ये एक बीमार आदमी ले गए, डिजीजेस वाला आदमी ले गए, उसको क्या रोकते वो लोग, और वहां उन बेचारों की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ द स्मॉल पॉक्स, ठीक है। और इस तरीके से अमेरिका को कॉन्कर करा था स्पेनिश लोगों ने और काफी बार यूरोपियंस ने ये वाली चीज का आजमाया है, ठीक है। तो अंटिल द 19th सेंचुरी पॉवर्टी एंड हंगर
ठीक है, अब ये टॉपिक कंप्लीट। अब अगली बात पे आते हैं। 19th सेंचुरी तक ये यूरोप, अभी तो बहुत बहुत ही अमीर कॉन्टिनेंट्स हैं, 19th सेंचुरी तक ये यूरोप जो कॉन्टिनेंट था ये गरीबी में था, ये भुखमरी में था। ठीक है, पढ़ा तो हमने अभी राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में, कि हर जगह रिवोल्ट चलते रहते थे, इतने गरीब थे ये लोग, इतने इनका खाना ही नहीं होता था, हार्वेस्ट इनकी ख़राब होती रहती थी। ठीक है, सिटीज़ वर क्राउडेड स्लम एरिया, पढ़ा है हमने ये हंगर हार्डशिप रिवोल्ट वाले टॉपिक में यूरोप वाले के, सिटीज़ बस्तियाँ बन रही थी, डिजीजेस थी वहाँ पे, और जो है रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट इनके यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलते थे। तो इसलिए क्या हुआ, जो बहुत सारे यूरोपियंस, अब यूरोपियंस में आप तुम सारे किंगडम्स के लोग मान लो, सारे नेशंस के लोग, जो जो परेशान हो जाता था ना यूरोप से, उन्होंने अमेरिका भाग के अमेरिका सेटल होना शुरू कर दिया। ठीक है, तो बहुत सारे यूरोपियंस अमेरिका जाके सेटल हो गए। हेयर बाय द 18th सेंचुरी यूरोपियंस ने अमेरिका में प्लांटेशन करवानी भी शुरू करवा दी। किस प्लांटेशन, कभी कॉफ़ी की, कभी टी की, कभी शुगर केन की, अलग अलग चीज़ों की इन्होंने प्लांटेशन करवानी शुरू करा दी अमेरिका के अंदर। अमेरिका की मिट्टी बहुत अच्छी थी, और प्लांटेशन कराने के लिए इन्होंने क्या करा, इंडिया से, अफ्रीका से स्लेव्स उठाए और स्लेव्स को वहां ले जाते थे, प्लांटेशन कराते थे। तो यूरोपियन मार्केट में फिर इस वजह से जो है कॉटन और शुगर आनी शुरू हुई, क्योंकि इन्होंने अमेरिका में स्लेव्स अपनी कॉलोनी से लिए, इंडिया से बहुत स्लेव्स ले जाते थे या अमेरिका पे जाके इन्होंने, और स्लेव्स से फ्री फंड में काम कराते थे, सेल्फ डम, और वहां जाके उनसे काम करवा के पैसा ही पैसा कमाते रहते थे ये ऐसे हरकतें करके यूरोपियंस। ठीक है, चलो अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं, चैप्टर के लास्ट 3 पॉइंट्स है चैप्टर कंप्लीट इस साल के लिए आपका। तो अंटिल वेल इनटू 18th सेंचुरी चाइना एंड इंडिया वर अमंग द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो 18th सेंचुरी तक चाइना और इंडिया वर्ल्ड की सबसे अमीर कंट्रीज थे, तभी इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता है। दे वर ऑल्सो प्री एमिनेंट इन एशियन ट्रेड, एशियन ट्रेड में तो हम सबसे नंबर वन थे ही, बट चाइना ने, जैसे मैंने आपको कहा सिल्क रूट इनएक्टिव हो गया था 15th सेंचुरी में, चाइना ने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया था ओवरसीज ट्रेड से, चाइना ने ट्रेड करना बंद कर दिया था बाकी दुनिया के साथ में 15वीं सदी में। तो बचा कौन, हम इंडिया बचे थे, तो सबसे अमीर हम थे और इन्होंने हमारे पे आके कब्जा करा था। तो चाइना रिड्यूस रोल एंड द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ अमेरिकन ग्रेजुअली मूव द सेंटर ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, तो सिर्फ हम बचे थे, बट फिर हमारे पे क्या हुआ, हमारे पे आके ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया। तो अब चाइना भी गया रेस से बाहर, हमारे पे ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, जो है अमेरिका की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, और जो है जो वर्ल्ड ट्रेड है जो ईस्ट एशिया की तरफ ज़्यादा था, अब वो वेस्ट की तरफ पहुँच जाता है, एंड यूरोप नाउ इमर्ज एज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। पहले क्या था, प्री मॉडर्न वर्ल्ड में सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इंडिया और चाइना में, यानी कि एशियन कॉन्टिनेंट में था, सब लोग मुड़ के एशियन कॉन्टिनेंट में इंडिया और चाइना की तरफ आते थे। अब क्या हुआ, चाइना ने आइसोलेट कर लिया खुद को, इंडिया पे कॉलोनियलिज्म हो गया, ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया, और उधर वहाँ अमेरिका का डिस्कवर हो गया, भैया क्या मिनरल्स वहाँ के, क्या वो अभी मिट्टी बिल्कुल न्यू थी तो, और इतना सारा लैंड था। तो अब जो है, और यूरोप वाले ही पूरे अमेरिका को चला रहे थे उस समय पे, कभी वहाँ कोई लोगों को कॉन्कर करने भेज रहे हैं, कभी इनके लोग माइग्रेट करके वहाँ जा रहे हैं। तो इसलिए वर्ल्ड ट्रेड फेयर जो है हमारा कौन सी सेंचुरी में लिखा है, ये हमारा, ये मान लो तुम कि जो है हमारा 18th सेंचुरी से जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड था वो आके शिफ्ट हो जाता है कहाँ पे, 18th सेंचुरी में वर्ल्ड ट्रेड शिफ्ट हो जाता है यूरोप कॉन्टिनेंट के ऊपर। ठीक है, तो विद दिस ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने इसमें समझा कि किस तरीके से हमारी कंट्री जो है कितना बड़ा लिंक होता था हमारा ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर, कितना बड़ा शेयर होता था, और किस तरीके से वो हमारे से शिफ्ट हुआ यूरोप के ऊपर। ठीक है, तो विद दिस ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि आज की दुनिया में ही ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, ग्लोबलाइजेशन पता नहीं कब से हो रही है इस पूरी दुनिया के अंदर, और क्या क्या तरीकों से होती थी। तो ये चैप्टर कंप्लीट। अब इस पे जो भी क्वेश्चंस आएंगे आयरिश पे माइंड में आएंगे, सिल्क रूट पे आएगा आप लोगों को, और आपको इसमें आएगा ये जो वो जो वो करी ना स्पेनिश कॉन्कर करा वो स्मॉल पॉक्स डिजीज से, बस ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन आंसर वीडियो से पढ़ लेना, शॉर्ट नोट्स मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिए, वो वहाँ से देख लेना। तो मैं चलती हूँ, बेटी के बेस्ट ऑफ लक, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सेकंड गो एंड चेक आउट द SST की प्लेलिस्ट, यहाँ पे सभी चैप्टर्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन गिवन है।